बात की जाए तो ये कौन सी जगह पर आपने ये प्लांट लगाए हैं? सेब के प्लांट आपने बार बता, जैसा कि आप कहते हो कि 1200 की जो हाइट है वहाँ पे आपने लगाया, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं था, आपने वो पॉसिबल कर दिखाया है। जरा हमें बताएं क्या पूरा ये किस तरह से आपका काम रहा है? देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी है। ये रूट स्टॉक इसका जो है बहुत पावरफुल होता है, उसकी जड़ें जमीन के ऊपर केवल 9 इंच सतह पे होती हैं, इसलिए वो जमीन से खूब सारा खादें खींच लेती हैं। जो उपजाऊ भूमि होती है सभी लोग जानते हैं वो ऊपरी सतह होती है, तो ऊपरी सतह पे हम जितना खाद डालते हैं वो ये खींच लेता है प्लांट, और इसकी हम टहनियों को काट देते हैं, काट झाट करते हैं, केवल तना मजबूत रखते हैं, तो इसमें सारा जो एनर्जी है, सारी जो ताकत है वो फल में चली जाती है, और पहले साल में ही अच्छा फल आ जाता है। जो आप देख रहे हैं लो हाइट 1200 मीटर, अभी तक कल्पना भी नहीं करते लोग 1200 मीटर में भीमताल में चापी में या ऐसे हाइट में कभी सेब होगा, लेकिन ये सेब यहाँ पे हो रहा है। और इसको हम लोगों ने पिछले कई सालों से प्रयोग कर रहे थे, और इसको इस समय हिमाचल में, कश्मीर में और यहाँ चापी में बड़े स्तर पर लगाया। हमने 100 बगीचे भी पूरे कर दिए हैं अभी 100 किसानों के साथ, अब 35 किसान और हो गए, यानी 135 किसानों के साथ कोका कोला इंडिया के सहयोग से हमने ये काम किया, उनके साथ मिल के हमने ये काम किया है, और इसमें सरकार भी अब आगे आने वाले भविष्य में इसमें योगदान देगी, लेकिन वो योगदान किसान को देना चाहिए। इस समय वक्त है जब किसान का प्रोत्साहन करना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो कि बेरोजगारी रोक देगी, पलायन रोक देगी। तो चटा जी, जैसे आपने कहा कि इसके जो चीज़ें हैं स्वदेशी रूप में आप इसको अपनाएंगे, प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वदेशी चीज़ अपनाना है, तो इसको आप किस तरीके से स्वदेशी के रूप में अपनाएंगे ताकि जो यहाँ के जो पहाड़ का जो युवा है जो पलायन करके वापस अपने क्षेत्र में आ रहा है, उनके लिए किस लिए मददगार साबित होगी? देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं देखने की। अब हम पौधा इम्पोर्ट नहीं करते, हम लोग केवल रूट स्टॉक इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन रूट स्टॉक को भी हमने इंडिया में बना लिया है। इस बार आने वाले भविष्य में हम रूट स्टॉक और बडवुड दोनों इंडिया में बनाने वाले हैं, लेकिन आज की तारीख में केवल रूट स्टॉक इम्पोर्ट करते हैं, पौधा हम इम्पोर्ट नहीं करते, यही बनाते हैं हिंदुस्तान में। और सबसे बड़ी बात, ये सेब जो हमने बनाया है ये हिंदुस्तान में 3 लाख टन हर साल इम्पोर्ट होता है बाहर से। हम कम से कम इतना बड़ा काम एक और शुरू हो गया, ये वही सेब है जो हम इम्पोर्ट करते हैं, और वो इम्पोर्ट हम रोक देंगे, तो इम्पोर्ट रोकना भी एक्सपोर्ट के बराबर होता है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा काम और हो जाएगा इस केंद्र द्वारा और ये सेब की खेती के द्वारा, कि विदेशों से आप सेब मंगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।